हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि डीएवी का सिलेक्शन प्रोसेस फर्स्ट टू एंड तक बिफोर ज्वाइनिंग क्या होता है। वैसे भी मैं डीएवी का सिलेक्शन प्रोसेस एंड क्या बुक्स आप लोग फॉलो करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एंड क्या क्वेश्चन पैटर्न होता है, क्वेश्चंस क्या क्या आता है एंड अदर्स सभी चीजें मैं ऑलरेडी चैनल पे शेयर कर दिया है मैंने एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रिटन टेस्ट के से लेकर के डेमोन्स्ट्रेशन तक मेरा एक्सपीरियंस क्या था, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा क्योंकि डीएवी बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है दोस्तों एंड बहुत सारे लोग इसका जो रिक्रूटमेंट ड्राइव होता है दोस्तों वन ईयर में एक ही बार होता है, बहुत सारे लोग वेट करते हैं इसके लिए एंड बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है एंड कंपेटिटिवली यहाँ पे जो सैलरी होता है दोस्तों अदर्स जो नॉन गवर्नमेंटल स्कूल होता है इससे बहुत ही ज्यादा होता है एंड नॉन गवर्नमेंटल स्कूल से स्कूल के अंदर जो नॉन गवर्नमेंटल स्कूल्स है उसमें डीएवी सबसे अच्छा स्कूल है दोस्तों आफ्टर गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर होते रहिएगा आप लोग भी एंड 2023 में भी रिक्रूटमेंट होने वाला है सारा स्टेट्स पे एंड अभी भी निकलने वाली है दोस्तों, सारा स्टेट्स पे ही डीएवी का रिक्रूटमेंट होगा। अब तो नवंबर से लेकर के अप्रैल टू मई तक बहुत सारा वैकेंसीज आने वाली है, बहुत सारा रिप्यूटेड स्कूल से मैं अपडेट देती रहूंगी आप लोगों को एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है डीएवी 2022 का एग्जामिनेशन का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो था दोस्तों, फर्स्ट जो मैंने फॉर्म फिलअप किया, फिर फॉर्म फिलअप के बाद एक एडमिट कार्ड आया दोस्तों बिफोर 15 to 8 days एग्जामिनेशन के आगे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के आगे आप लोगों के पास एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसको आप लोगों को प्रिंट कर करके रिटन टेस्ट के लिए ले जाना पड़ेगा। तो रिटन टेस्ट जो था दोस्तों वहां पे रिटन टेस्ट एक्चुअली 50 मार्क्स का था जनरल, मतलब कि वहां पे था दोस्तों रीजनिंग था, जीके था, चाइल्ड साइकोलॉजी था एंड कुछ जनरल इंटेलिजेंस का था, जीके था, ये सब था दोस्तों। ठीक है, इंग्लिश था, जनरल इंग्लिश था। ठीक है, तो 50 मार्क्स था ऐसे ही जनरल, चाइल्ड साइकोलॉजी, जनरल इंग्लिश, जीके, जीआई, रीजनिंग, ये सब था। ठीक है, तो 50 मार्क्स ये हो गया और 80 मार्क्स जो था दोस्तों 80 मार्क्स सब्जेक्ट से था। ठीक है, 80 मार्क्स का सब्जेक्ट से, तो 80 मार्क्स जो था दोस्तों वो जो एग्जामिनेशन का 50 मार्क्स जो जनरल आया था वो तो स्टैंडर्ड ही था तो, बट जनरल इंग्लिश एंड जीके बहुत ही इजी मतलब कि स्टैंडर्ड आया था दोस्तों, बट जो सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बहुत ही टफ आया था, मुझे लगा था कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी बट एग्जामिनेशन मेरा मीडियम पे गया। ठीक है, और 80% जो 80 मार्क्स था दोस्तों वहां पे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस था, कुछ मतलब कि कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस भी था दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चंस स्टैंडर्ड था दोस्तों और आप लोग रिजल्ट नहीं जान पाएंगे आप लोगों को अगर आप लोग अकॉर्डिंग टू द 50 एंड 80 मार्क्स टोटल 130 मार्क्स जो है दोस्तों टोटल 130 मार्क्स के हिसाब से आप लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो अगर आप लोग क्वालिफाई करें तो आप लोगों को एक मैसेज जाएगी फोन नंबर पे और मेल जाएगी दोस्तों और कॉल किया जाएगा। तो मेरा जो हुआ था, मेरा मैसेज आया था तो वहां पे बोला गया था कि एक मतलब कि वहां पे बोला गया था कि जो डीएवी का जो वेबसाइट है वहां पे एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो फिर वहां से मैं वो जो इनबॉक्स में जो लिंक दिया गया वहां से जाकर के मैं वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, फिर डाउनलोड करके मैं इंटरव्यू देने गई। तो इंटरव्यू तो दोस्तों दो राउंड पे हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। पहले मैं पीजीटी ज्योग्राफी के लिए एग्जामिनेशन दिया था तो मेरा जो 80 मार्क्स है दोस्तों वो ज्योग्राफी के ऊपर ही था, तो नेट लेवल से भी ज्यादा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है दोस्तों, मतलब कि नेट लेवल अगर आप लोग प्रिपरेशन ले रहे होंगे तो आप लोगों के लिए हो जाएगा, मतलब कि आप लोग अगर एनसीईआरटी का बुक्स बहुत ही अच्छे से बहुत ही डीपली स्टडी करें तो ये 80 मार्क्स आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी होगा दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप लोग फॉलो कर पाए यहाँ पे आप लोगों को 50% आप लोग आउट ऑफ 80 आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोग एनसीईआरटी और नेट एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन आप लोग मतलब ले रहे होंगे और नेट मतलब कि अकॉर्डिंग टू द नेट सिलेबस यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाता है पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, बहुत ही टफ होता है अकॉर्डिंग टू द पीजीटी सिलेबस। ठीक है, तो 130 मार्क्स पे अगर आप लोग क्वालिफाई कर पाए तो फिर आप लोगों के लिए इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा और इंटरव्यू पे दोस्तों इंटरव्यू दो राउंड पे होता है। तो मैं गया इंटरव्यू देने, तो इंटरव्यू पे कुछ बेसिक सा चीज जो है बेसिक चीजें पूछी गई थी
तो कन्वर्सेशन आप लोगों को इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। डीएबी का स्कूल बहुत ही रिप्यूटेड है एंड डीएबी डीपीएससी सारा स्कूल्स में इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन होती है स्कूल के अंदर, ठीक है। और अदर्स रेप्यूटेड स्कूल्स में ही यही होती है दोस्तों। तो वहाँ पे इंटरव्यू पे जो हुआ था दोस्तों, कुछ बेसिक चीज़ें पूछी गई थी। बहुत सारा डीएबी अदर्स जो डिस्ट्रिक्स होता है वहाँ से भी टीचर्स आए थे इंटरव्यू लेने, और वहाँ पे क्वेश्चंस मुझे हार्ड टू इजी टू मीडियम क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछी गई थी, इजी टू मीडियम क्वेश्चंस पूछा गया था। कंसेप्ट जस्ट डेफिनेशंस पूछा गया था, कुछ ज़्यादा कंसेप्चुअल ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो उसके बाद फाइव इंटरव्यूअर्स था वहाँ पे, फाइव इंटरव्यूअर्स था, तो 10 to 15 मिनट्स हुआ इंटरव्यू। फिर 10 to 15 इंटरव्यू होने के बाद वो मैं मतलब कि वहाँ पे ग्रीन सिग्नल था, इसलिए मैं सेकेंड इंटरव्यू जो था वहाँ पे अपियर हो सकी। तो मुझको कहा गया कि मैं सेकेंड राउंड पे जाऊँ, तो फर्स्ट राउंड मेरा हो गया, मेरा क्लियर था। तो फिर उसके बाद एक नेक्स्ट इंटरव्यू जो था दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारा लोग थे मतलब कि बाहर से आए हुए थे। तो वहाँ पे दोस्तों मेरा सीवी पे था, मेरा सीवी पे मेंशन था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ड्राइंग एंड सिंगिंग। तो दोस्तों वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के बाद मुझे कहा गया, वहाँ पे ठीक ही था, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए, बट वहाँ पे मुझे बोला गया कि गाना गाती हो, तो डू यू सिंग सॉन्ग, तो मैंने कहा कि हाँ मैं गाती हूँ, ठीक है। तो मुझे कहा गया कि एक गाना गा के सुना, ठीक है, एक गाना गा के सुना। तो मैंने कहा, और उन लोगों का क्राइटेरिया था कि नॉन फिल्मी सॉन्ग, नॉन फिल्मी सॉन्ग, ठीक है, नॉन फिल्मी सॉन्ग गाने को कहा मुझे। तो मैंने एक रविंद्र संगीत गाया वहां पे, ठीक है। तो फिर कुछ 1 to 1 15 मिनट्स मैं गाया, ठीक है, 1 point मतलब कि 1 minute 15 seconds ये उसके हिसाब से गाया मैं। तो फिर 1 minute बाद मुझे कहा गया कि ठीक है, कहाँ पे मतलब कि प्लेसमेंट मतलब कि जो जॉब लोकेशन है वो क्या चाहते हो, ठीक है, ये मुझे कहा गया। तो मैंने कहा कोई प्रेफरेंसेस नहीं है, जहाँ पे भी होगा मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगी, मतलब कि एक्सेप्ट कर करूँगी ये। और कुछ कैंडिडेट्स था दोस्तों वहाँ पे, कुछ कैंडिडेट्स को ड्राइंग करने के लिए कहा गया था। तो ड्राइंग मतलब कि वहाँ पे ड्राइंग लिखा हुआ था, मुझको भी कहा जा सकता है कि ड्राइंग करो, दिखाओ कैसे ड्राइंग करते हो। तो मेरा गुड लक है कि मुझे सिंगिंग कहा गया, क्योंकि मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, बट कुछ चीज़ें देख करके ही मैं ड्राइंग कर सकती हूँ। तो कुछ कैंडिडेट्स को कहा कि ड्राइंग करने के लिए, बहुत सारा लोग बहुत पेंटिंग बना रहे थे उस दिन। तो ये सब हुआ, कुछ सब्जेक्ट नॉलेज की क्वेश्चंस किया गया वहाँ पे, एंड जीके भी था वहाँ पे, ठीक है। तो फिर तो ये मेरे लिए बहुत ही एक मतलब कि एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस था कि इंटरव्यू पे गाना गाने के लिए उतना बड़ा बड़ा लोग, और बहुत बढ़िया हॉल रूम था दोस्तों, तो वहाँ पे गाना गाने के लिए बोला। तो फिर वो भी हो गया दोस्तों, वो तो हो गया उस दिन कंप्लीट। तो मैंने सोचा कि वो सब मैनेजमेंट से पूछा कि कब वैकेंसी आएगी, मतलब कि जब वैकेंसी आता है खाली होता है वहाँ पे बुलाया जाता है। तो दोस्तों मेरा तो मैंने सोचा कि कब आएगा, कब बुलाया जाएगा। तो आफ्टर 15 डेज मुझे कॉल किया गया कि इंटरव्यू के बाद भी एक मुझे इनबॉक्स में मैसेज आया। तो यहाँ रिटन टेस्ट के बाद भी इनबॉक्स में मैसेज आया था दोस्तों, और इंटरव्यू के बाद भी इनबॉक्स में मैसेज आया कि यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट, मतलब कि इंटरव्यू में उन लोगों को पसंद आया तो मुझे डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट के लिए बुलाया गया। तब इंटरव्यू के लिए यहाँ पे इनबॉक्स में एक मैसेज आया, वहाँ पे क्लिक करके मैं डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट के लिए, एक एडमिट कार्ड था वहाँ पे एक स्कूल की वेबसाइट पे, वहाँ से डाउनलोड किया, फिर डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट देने गई। तो डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट मेरा था ज्योग्राफी के ऊपर ही, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए था दोस्तों। तो मैंने कुछ चार्ट्स वगैरह कुछ टीएलएम बनाई थी। तो दोस्तों मैंने देखा कि वो लोग स्मार्टनेस को देखता है, क्लास मैनेजिंग फैक्टर्स, कैसे आप लोग इंटरेक्ट करते हो, कैसे आप लोग कोई भी क्वेश्चंस देने से उनको संभाल पाते हो, मतलब कि कुछ इंटरव्यूअर्स बैठे रहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के समय, तो उन लोग कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को आफ्टर एंडिंग द डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट करेंगे, ठीक है, उसके समय आप लोगों को
उन लोगों को सेटिस्फाई करना होगा कि जिन सब्जेक्ट और जिन टॉपिक आप लोग पढ़ा रहे हो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, आप लोगों को बता देना पड़ेगा कि ये है ये वो है, ठीक है, आप लोगों को एनालाइज करके बता देना पड़ेगा, फिर ओके है। तो डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट मैंने दिया वाटर रिसोर्स के ऊपर, तो अच्छा था, बट मैंने रियलाइज किया कि चार्ट बनाना और TLM लेके जाना, कुछ मॉडल्स लेके जाना, ये जरूरी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि आप एक्स्ट्रा हेडेक क्यों ले, क्योंकि आप एक चीज पढ़ा रहे हैं वाटर रिसोर्स, ठीक है। तो वाटर रिसोर्स अगर आप लोग पढ़ा रही है और प्लेट टेक्टोनिक्स और जो कोई भी आप लोग पढ़ाए, तो उसके लिए जरूरी होता है प्रेजेंटेशन। आप लोग प्रिपरेशन स्टेज आप लोग कैसे प्रिपेयर करें, फर्स्ट क्लास पे ही जाकर के ही आप लोग वाटर रिसोर्स नहीं शुरू कर सकेंगे, कुछ बातें कुछ स्टोरी आप लोगों को बताना पड़ेगा, क्या चल रहा है ये आप लोगों को स्टूडेंट को बताना पड़ेगा और स्टूडेंट को पहले इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप लोगों को असली टॉपिक पे आना पड़ेगा आफ्टर द प्रिपरेशन स्टेज, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है एंड पिक्चर देके अच्छे से इंटरेक्ट करके सभी को इंटरेस्टिंग वे में सभी को वहां पे सभी को आप लोगों को सोचना होगा कि स्टूडेंट्स है, तो ऐसे इंटरेक्ट आप लोगों को करना पड़ेगा। फिर 5 to 10 minutes वही बोल देते हैं इट्स ओवर नाउ यू कैन सिट डाउन, ऐसे आप लोग उन लोग बोल देते हैं। तो बहुत ही मतलब कि एक्सपीरियंस टीचर्स वहां पे होते हैं जो 10 to 15 to 20 years और 10 to 20 years काम कर रहे हैं, तो बहुत ही वहाँ पे प्रोफिशिएंट टीचर्स होता है दोस्तों, बहुत ही एलिजिबल एंड बहुत ही प्रोफिशिएंट टीचर्स वहाँ पे होता है। CBSE का बहुत ही अच्छी स्कूल है वो। तो डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट मेरा हुआ, फिर सारे लोग दे दिए, फिर भी मैं वेट कर रही थी सारा डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए। आप लोग भी देखेंगे जहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेशन आप लोग दे, तो इससे क्या होता है आप लोगों का जो फॉल्ट्स है आप लोग क्या ऐड करें ये आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आफ्टर द डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट मैं वेट किया कि कब कॉल करे, कब वैकेंसी आए। फिर दोस्तों क्या हुआ, मुझे मेरा कॉल आया, तो मुझे कहा गया कि आप कब ज्वाइन कर सकते हो। तो मुझे पता चला कि तो मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं स्कूल पे गई दूसरे दिन, नेक्स्ट दिन ही चले गई जिस दिन कॉल आया था। तो फिर वहाँ पे जाकर के मैंने सोचा कि जस्ट वेरिफिकेशन होगा, तो सारा डिटेल्स सारा वेरिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट्स था एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वो मैंने लेकर के गया और प्रिपेयर होके ही गई थी। बट वहाँ पे जाकर के देखा कि और एक भी मॉक डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को देना पड़ेगा वहां पे, मतलब कि मुझे और भी एक मॉक डेमोन्स्ट्रेशन वहां पे देना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकेंड जो डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट के लिए मुझे बुलाया गया, मतलब कि वैसे तो बताया नहीं गया था बट डायरेक्टली सडनली मुझे पता चला कि डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट देना पड़ेगा, तो चलो ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ा, कोई भी एक चैप्टर मैंने पढ़ा दिया। बहुत खास नहीं था दोस्तों, बहुत खास नहीं मेरा हुआ कि बहुत अच्छा बढ़िया था, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी दोस्तों, क्योंकि एक लेसन प्लान बनाना पड़ता है, एक प्रिपरेशन स्टेज बनाना पड़ता है हर एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, हर एक इंटरव्यू के लिए कुछ प्लानिंग्स रहती है माइंड पे, तो इसलिए सडनली दिया गया तो ठीक ही है, मीडियम रहा मेरा डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसके बाद मैं वहां पे मुझे कहा गया कि कब ज्वाइन कर पाओगी, तो सैलरी वगैरह नेगोशिएशंस हो गया था, तो एज अ मतलब कि वहां पे रखा तो जाता है, परमानेंटली रख दिया जाता है दोस्तों, बट वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअली आप लोगों को साइन करना पड़ता है आफ्टर वन ईयर ये आप लोगों को करना पड़ता है। तो वहां पे रख दिया जाता है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होने से एंड बहुत अच्छी क्लास मैनेजिंग फैक्टर्स होने से आप लोगों को परमानेंट भी किया जाता है, बट 2 to 3 years के बाद, तो तब आप लोगों को 7th pay level पे सैलरी दिया जाता है। तो मेरी ज्वाइनिंग वहाँ पे नेक्स्ट दिन ही मुझको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया, फिर मैंने प्रिंसिपल मैम से, प्रिंसिपल मैम बहुत ही कोऑपरेटिव है एंड बहुत ही अच्छी है, एंड मुझे कहा कि आप कब ज्वाइन कर सकोगे। मैंने कहा कि मैं तो नज़दीकी रहती हूँ तो मैं एक दो दिन के बाद ही ज्वाइन कर जाऊँगी। तो फिर प्रिंसिपल मैम ने मुझे कहा कि नहीं तुम कल से ही ज्वाइन कर जाओ। तो फिर वहाँ पे कल से दूसरे दिन नेक्स्ट दिन मैं गया, मतलब कि वहाँ पे जो स्कूल एनवायरमेंट है दोस्तों, फर्स्ट मैंने स्कूल पे ज्वाइन किया, तो वहाँ पे दोस्तों डीएवी की तरफ स्कूल ये तो एक ड्रीम होता है, मतलब कि बहुत ही अच्छी स्कूल होती है दोस्तों नॉन गवर्नमेंटल स्कूल्स के अंदर। तो स्कूल एनवायरमेंट बहुत ही अच्छी थी, नेक्स्ट दिन मैं गया वहाँ पे,
और स्कूल एनवायरमेंट एंड टीचर्स स्पेशली दोस्तों वहाँ पे बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कोऑपरेटिव है। क्योंकि मैं वहाँ पे मैं तो कुछ स्कूल्स में मतलब कि एक स्कूल पे आगे भी काम कर चुकी हूँ झारखंड की। तो जब मैं गया वहाँ पे तो टीचर्स को देखा, बहुत ही एफिशिएंट टीचर्स हैं। एंड ये भी जो है जो दोस्तों वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। एज अ टीचर आप लोग सिर्फ पढ़ा दिया, सिर्फ कॉपी चेक किए, सिर्फ एवोल्यूशन किया, सिर्फ असेसमेंट किया, ये मतलब कि ये सिर्फ ये बात नहीं है, आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से सीखना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है डीएवी के लिए। तो वहाँ पे टीचर्स बहुत ही कोऑपरेटिव थे एंड मैं वो लोग मुझे भी बहुत हेल्प किया। एंड सारा जो फ्रेशर्स था वहाँ पे एज अ डीएवी टीचर, तो सारा फ्रेशर्स के लिए वो जो परमानेंट टीचर्स होता है दोस्तों और अदर्स टीचर्स होता है बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं वहाँ पे। एंड क्लास मैनेजिंग के लिए कैसे पढ़ाया जाए स्टूडेंट्स को, एंड हर एक स्कूल्स के लिए कुछ डिफरेंट सा स्टाइल्स होता है, डिफरेंट सा स्ट्रैटेजीज होता है, फिर वर्कशीट बनाना, फिर वहाँ पे जो होता है दोस्तों एक्टिविटीज, ये सब करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से कहूंगी कि डीएवी का वर्कलोड तो रहता है दोस्तों, बट अपने आप को ग्रो करने के लिए अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, अकॉर्डिंग टू द क्लास मैनेजिंग पावर, ये आप लोगों का एज अ टीचर होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ा दिया, सिर्फ कॉपी चेक किए, यही लास्ट बात नहीं होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ग्रो अप करता है एंड अदर्स जो एज अ टीचर मतलब कि जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो ये डीएवी में बहुत ही ग्रो अप हो पाता है। तो डीएवी का स्कूल एनवायरमेंट बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों एंड टीचर्स भी बहुत ही कोऑपरेटिव होती है, तो बच्चे भी बहुत अच्छी होते हैं दोस्तों। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया एंड उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डीएवी का जो कुछ क्वेश्चन पैटर्न्स है दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस एंड जो होता है कुछ बुक्स होता है दोस्तों एंड कुछ जो क्वेश्चन पेपर मैंने शेयर किया हुआ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। एंड प्रिपेयर अच्छे से होते रहिए क्योंकि डीएवी का जो डीएवी और डीपीएस एंड अदर्स जो रिप्यूटेड स्कूल्स का वैकेंसीज दोस्तों यही नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स पे आने वाली है। तो अच्छे से प्रिपेयर होते रहिए, प्रिपरेशंस लेते रहिए एंड नेवर गिव अप। कि बहुत सारा जो प्राइवेट स्कूल्स इंडिया में है सैलरी बहुत ही कम होती है दोस्तों, बट आप लोगों का एक्सपीरियंस ग्रो करने के लिए कोई भी एक स्कूल पे आप लोगों को घुसना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों। और कभी कभी एक्सपीरियंस तो लिखा तो जाता है, बट डीएवी डीपीएस में भी एज अ फ्रेशर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एंड फिर अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर क्लास मैनेजिंग पावर, अकॉर्डिंग टू योर क्लास कंट्रोलिंग पावर, आप लोगों को पोजीशन मतलब कि प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर होते रहिए। डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट एंड रिटन टेस्ट के बारे में मत भूले। रिटन टेस्ट के बाद एक इंटरव्यू होगा, फिर डेमोन्स्ट्रेशन दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है दोस्तों, जनरली एक ही डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट होता है। तो ठीक है, तो यही बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया एंड अदर्स जो स्कूल इंटरव्यूज मैंने दिया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। केवीएस, एनवीएस एंड अदर्स रिपोर्टेड स्कूल्स का भी मैं बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुकी हूँ, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू।